तो भाई बात कुछ ऐसी है कि मेरी क्लास थी दो टाइम, एक दोपहर को एक शाम को। दोपहर वाली क्लास तो कैंसिल हो गई और शाम वाली क्लास 7 बजे। तो अभी बज रहे 3:15 और मेरी ट्रेन है 4:45। चलते जब भी होता है ना, ये पूरे दिन के बाद घर में रहने के बाद अचानक ऐसे बाहर आने पे इतनी आंखों में चुभती है ये लाइट। एक मैं शटर बंद करके मिलता हूँ। मैं ऐसे कह रहा था कि मैं जैसे अचानक ऐसे बाहर निकलता हूँ, पूरा दिन ऐसे घर में रहता हूँ और फिर ऐसे कॉलेज जाने के लिए जैसे शटर खोलता हूँ तो आँखों में ऐसा चकाचौंध, ऐसे आँखों में सब ऐसे धूप, समझ गए ना भाई? भाई सेम। तो ये इस लेन में रहता हूँ मैं, ये वाला मेरा घर है। मेट्रो पार्क स्टेशन यहाँ से सबसे पास वाला स्टेशन होता है और मेरे को ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। आई चेंज ट्रेन इन सिकॉकस। सिकॉकस से फिर मैं मेडिसिन जाता हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी मेडिसिन में। यस, आई हैव टू वेट फॉर द सिग्नल। इस सिग्नल से भी जा सकते हैं लेकिन मेरे घर से रेलवे स्टेशन इट्स अ प्रीटी 15 मिनट्स वॉक। आराम से जाए तो 20 मिनट्स आराम से। और यस, दिस इज द रे। ये लोग पता नहीं हाईवे को फ्रीवे क्यों बोलते हैं। ये यहाँ की एनजे ट्रांसिट बस है। एनजे ट्रांजिट चलता है न्यू जर्सी में, आई गेस। हाँ, सिर्फ न्यू जर्सी में, बाकी सारे स्टेट्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन न्यू जर्सी में एनजे ट्रांजिट चलता है। यहाँ बसेज रहती है ऐसी, और एक टाइप की बस है, ट्रेन है। मैं ट्रेन में जाता हूँ, आई विल शो यू हाउ द ट्रेन लुक्स लाइक। सो लेट्स गो। सो दिस इज नेट मेट्रो पार्क ट्रेन स्टेशन। यहाँ हर स्टेशन पर एक डंकिन डोनट्स भी रहता है। यहाँ से दिख नहीं रहा है लेकिन रहता है। और कभी भी आओ, कभी भी आधी रात को भी आओ, तो ये जो लास्ट फर्स्ट से सेकंड ब्लू कलर की कैब खड़ी है, ये कैब इधर हमेशा रहती है। इंडियंस रहते हैं, इंडियंस और पाकिस्तानीज, और वही ब्रांडिंग जस्ट लाइक इंडिया। सबसे सस्ते में हाईवे तक, सबसे सस्ते में एयरपोर्ट तक। फुट ब्रिज सेंटर ऐसा कह के सी डंकिन डोनट्स। -2 है यहाँ पर, लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे पसीना आ रहा है। आई गेस मैं चल के आया हूँ इसलिए आ रहा है, लेकिन -2 है अब, पता नहीं फील ही नहीं होता। स्टेशन पे भी हमेशा जब भी आओ तो एक आध दो इंडियन पे रहता है ये ट्रेन के लिए वेट करते हुए। इस ट्रैक जी ट्रैक में, इस ट्रैक से यहाँ पे न्यूयॉर्क जाया जाता है, उस ट्रैक से ट्रेंटन जाया जाता है। यस, जस्ट टू गेट फैमिलियर। दिस इज मेडिसिन स्टेशन, इज ऑल्सो नोन फॉर द यूनिवर्सिटी आई एम स्टडी इन। भाई मेरा जाने का हो गया, फिर भी थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि छोटा सा सिटी है, कोई बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं, अच्छे लोग रहते हैं, क्राउड नहीं है बहुत ज़्यादा, लोग रहते हैं होमलेस लोग रहते हैं, वो बहुत कम है ना, बराबर है। मैं ये शाम वाली क्लास मेरी 9:30 ख़त्म होती है और नेक्स्ट ट्रेन फिर 10 बजे होती है। 9:58 को नेक्स्ट ट्रेन होती है, लास्ट ट्रेन, मतलब उसके बाद कोई ट्रेन ही नहीं होती है। मुझे तो ऐसा लगता है US में, पता नहीं क्यों, शायद ठंड में ऐसा होता है विंटर्स में, कि 8 बजे के बाद एकदम सन्नाटा ही हो जाता है हर जगह पे। और अभी ठंड थोड़ी बढ़ गई है, हार्डली कोई इंसान दिखता है, कार्स दिखती है 2-4, एक थोड़ी बहुत ज़्यादा। मैं 10 बजे आता हूँ तो मारता, मतलब पूरा सन्नाटा रहता है। लेकिन ऐसा ये सिटी में कॉलेज से रेलवे स्टेशन मुझे वही 15 मिनट्स अराउंड वॉक, तो इतना ज़्यादा अनसेफ फील नहीं होता।
एक्चुअली सनडाउन भी हो गया है तो मैं यूनिवर्सिटी तो अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत दिखाने का कि यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कैसा है। मैं आज तक एक्चुअली बोला जाए तो कभी एंट्रेंस जो मेन एंट्रेंस है वहाँ गया ही नहीं हूँ। एक फर्स्ट गेट ही आ जाता है और हम लोग का जो क्लासेस जो जिस बिल्डिंग में होता है लग रही है थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, हम लोग का जहाँ क्लास लगती है वो ब्रदर्स कॉलेज करके उस बिल्डिंग का नाम है, हम लोग का उसमें क्लास होती है और ऑलमोस्ट सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का वहीं पे क्लास होती है। सी ये एंट्रेंस है, छोटा सा एंट्रेंस है ड्रू यूनिवर्सिटी का, मेन गेट उसके आगे है उस तरफ कहीं पे तो है। तो यस दिस इज़ ड्रू यूनिवर्सिटी। ये घर की एक स्टोरी है, स्मिथ हाउस करके है ये घर। 40,000 वो किसी और दिन बताऊँगा ये स्टोरी जो है। ये हम लोग को बस यहाँ से ऐसे जाना है सीधा एंड देन द सेकेंड राइट विल बी अवर ब्रदर्स बिल्डिंग, वहीं पे हमारी रोज़ क्लासेस होती है। रोज़ तो नहीं होती, रोज़ तो क्लासेस नहीं होती लेकिन हफ्ते में 3 दिन होती है। सो यस नाउ लेट्स सी। सो दिस इज़ ब्रदर्स बिल्डिंग। ये पार्किंग का है, नॉर्मल पार्किंग। यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह रहती है, उनका रेसिडेंस है। बाकी ये जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ये ऑन कैंपस हाउसिंग में आते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स ऑन कैंपस रहते हैं, हॉस्टल जैसा बोलते हैं, हॉस्टल नहीं होता बस घर रहता है, उसका रेंट रहता है, घर आपको खाना बनाना रहता है, रेंट एट। दिस इज़ आवर बिल्डिंग, यहाँ पे हमारा क्लासेस होता है। ये एक्चुअली बैक है, मतलब ये कॉलेज का फ्रंट है आगे, वो अभी हम देखेंगे 2 मिनट में। ये दरवाज़ा बड़ा हार्ड है, खुलता है लेकिन तुरंत आ जाता है। This is our university building where our classes held. ये कैफेटेरिया एक छोटा सा, अभी तो लॉक है। ये वेटिंग एरिया है गाइस, ऐसा ही कुछ है। और अभी मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ। सो दिस इज इफ यू कैन सी I'm just going over there, नीचे। This is a small university, बहुत बड़ा university भी नहीं है। So, see, this is the university। हम लोग के क्लासेस इधर कहीं तो होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं दिखते ऐसे तो, as such। So, यहाँ से नीचे आने का पहले फिर ये एक हॉलवे है, हॉलवे के बाद यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेके एक जो लास्ट ये यहाँ हमेशा चॉकलेट्स पड़ी रहती है जो सब गायब हो जाती है इंडियन स्टूडेंट्स। यस ये वाला जो रूम है ये हम लोग का क्लासेस है। एक्चुअली ये कोई तो क्या बोलते एक कंप्यूटर लैब जैसा है जहाँ पे हमारी सारी क्लासेस होती है। दिस इज जया, जया फ्रॉम साउथ इंडिया, इज एन इंडियन। लेकिन थोड़े से इंडियंस कम के, पूरे 15-16 ही इंडियंस है पूरे सब पूरा एग्रीगेट। इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। हां गुड थिंग। अच्छा ऐसा है, मोर इंडियंस इट फील्स लाइक यू आर इन इंडिया। अच्छा बराबर। हाँ ये बात तो सही बताई है। वी केम टू यूएस टू एक्सप्लोर, यहाँ पर भी इंडियंस, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट इट बट आई एम जस्ट सेइंग एक्सप्लोर करना है ना। अभी लेकिन समर थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा क्योंकि मेरा जो पुराना यूनिवर्सिटी था ना, मेरा पुराना यूनिवर्सिटी में ऐसा ही था, हर जगह सिर्फ ग्रीन ही था। तो मेरा तो पूरा बिल्डिंग था, इसीलिए मेरा तो ऐसा ही कैंपस था आई गेस, इससे थोड़ा बड़ा था। यहाँ से कार में डिनर है। Yes, Matthew. Sorry, how do you like the university? I just asked Jaya also. Oh, yeah, you also tell me, how do you like the university? Man, there's a lot of snow here. And, how do I say this? But I think it's good. You can join a lot of organization, man. They actually have a lot of events. I would like to join, but the thing is, I leave 2 hours away from here. Yeah. And just for 1 hour, I have to come to the college and attend the meeting or something. So it is very not so pleasing to me. Just for that 1 hour I have to travel 4 hours of coming true. And yeah, going yeah. and all those that's things. Yeah, 2 hours. Yeah. Yeah. Oh so. My gosh, that's so far, man. This is Matthew from Indonesia, right?
No, sorry, Philippines. Philippines, yes, Philippines. Yes. Okay. तो गदम हो गई है, 9:54 हो रहे हैं, 8:54 हो रहे हैं, नहीं सॉरी, हाँ 8:54 हो रहे हैं, 9:05 की ट्रेन है, लेट्स सी वी कैन कैच इट और नॉट, सी यू ऑन द रेलवे स्टेशन इफ पॉसिबल। पूरा वहाँ रेलवे स्टेशन है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि कई बार ट्रेन दो तीन मिनट जल्दी भी आ जाती है। इंडिया में मोस्टली ट्रेन लेट होती है, यहाँ भी होती है लेट, लेकिन यहाँ जल्दी भी आ जाती है कभी कभार, तो प्रॉब्लम ये है, इसीलिए जल्दी जाना पड़ता है। आज तो लकीली मेरा क्लास ख़त्म हो गया, कभी कभी तो क्लास ख़त्म नहीं होता है, एक आध दो साइड्स बची होती है, तो मैं उठ के आ जाता हूँ कि भैया मैं खुद घर लूँगा वो घर जाके, लेकिन अगर ये ट्रेन छूट गई तो मुझे एक घंटा और वेट करना पड़ेगा स्टेशन पे, तो वो मुझे नहीं करना रहता है। ये हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है, ये मेरी ट्रेन आ गई और जैसे कि देखो अभी जस्ट वहाँ पे भी एक ट्रेन आई है, 9:05 जाने वाली भी, 9:05 आने वाली भी, सेम, इंटरेस्टिंग। सो दिस इज मेट्रो पार्क स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, मेट्रो पार्क ट्रेन स्टेशन, बिकॉज ऐसा होता है कि फटाफट इस टाइम पर घर चले जाए तो मिलते हैं सीधा घर के बाहर। So I've just reached my home. Okay then, let's see how it goes and keep it till next week.